हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय देवी में, जय उत्तराखंड। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग, नए दिन नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और मौसम की बात की जाती है, एकदम फर्स्ट क्लास कड़क धूप आई हुई है यहाँ पर, देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग एकदम मस्त होने ला मिले, एकदम बढ़िया से, एकदम झक्कास। तो देखते हैं आज के वीडियो में क्या क्या होता है, बने रहे पूजा पहाड़ी ब्लॉग से। और साथ में पूजा पहाड़ी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दगड़िया सामने देख सकते हैं, ताई जी सुबह सुबह रोज अपनी भैंस को नहलाती है। ताई जी सब बढ़िया? सब बढ़िया से यार, राधे राधे। कहा बात कर तू, सुख हाबत है? बात ढीलू लगा ले यार, गजब ढीलू लगा। तो दोस्तों ये काम होता है, एक मिनट माता जी रोकिए। तो दोस्तों ये जो राजमन से कंकड़ पत्थर होते हैं उनको ये इसके सहारे निकाला जाता है, जो कि माताजी सुबह सुबह का काम हो रहा है माताजी का। माताजी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया है, आप कैसे हो? हम भी बढ़िया है, दुआ है आपकी, आशीर्वाद है आपका। हाँ, सब लोगों का आशीर्वाद है। तो कैसा चल रहा है आपका काम? बस बढ़िया। ओहो दगड़ियों, सुबह का नाश्ता मैं बनाती हूँ सभी के लिए, रोटी बनाती हूँ। तो आज स्पेशली मैं आप सभी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मड़ुए का आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। तो रोटी पकाने के लिए मुझे दो ये बेलन और चकला, एक छपरी और एक चिमटा और एक नल, कितने हो गए, 5 चीजों की जरूरत होती है। तो उसके बावजूद पूजा पहाड़ी रोटियां बनाती हैं। तो आज आपको भी मैं पहाड़ी मड़ुए की रोटी खिलाऊंगी जो कि काफी टेस्टी होती है। ये मैंने पहली रोटी डाल दी है, तो मेरी पहली रोटी बन के तैयार हो चुकी है। तो इसको डाल देते हैं फर्स्ट वाले छापरी पे। चना भाई का गोबर देख सकते हैं, बचीदा कुछ इस तरह से रोज गोबर की सफाई करते हैं। अब पता नहीं कल से बचीदा चले जाएंगे, फिर कौन करेगा काम? बचीदा छैन के बुला ले यार, मैं बेटे आना पड़ा यार। हो यार बचीदा, बचीदा उसका नहीं जो यार, तुम्हें मेरा नगला लगा यार। हिमांशु भाई सुबह का नाश्ता करने के लिए आ गया है। मैंने जैसा कि बताया कि जैसे ही हमारी पहाड़ी टोकरी में दो रोटी पकते हैं तो हिमांशु भाई को अंदाजा आ जाता है एक रोटी हाथ पे है। हिमांशु भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। पेपर सारे हो गए आपके? कैसे रहे पेपर? दोस्तों बाबू भी आ गए हैं सुबह का नाश्ता करने के लिए। अभी तक कहाँ गए थे आप? हार लगाने, लूठा लगाने। अच्छा, एक लूठा लगा के दूसरे लूठे की तैयारी हो रही है। हाँ, फिर जंगल गया, एक खूनी लाया। कैसी हो रही फिर मड़ुए की रोटी? बहुत ही बढ़िया, सवेरे इतनी रोटी का नाश्ता होता है। 1 2 3 4 5 और एक रोटी, 6 रोटी और एक रोटी हाथ में है, गजब। इतनी चाहिए सब्जी। अभी मैं भी सुबह का नाश्ता कर लेती हूँ, काफी टेस्टी। दोस्तों ऐसा होता है ना, मेरा शाम की सब्जी ना सुबह को और टेस्टी लगती है। आइए महाराज, खाइए, चाय पीजिए, पहाड़ी केतली का आनंद लीजिए, फीकी चाय। अरे आ तो दूध की चाय है, भैंस तो दुकान गई है हमारी। दगड़ियो खान पान हमारा बहुत मस्त है, मड़ुआ की रोटी है चाय के साथ, कद्दू की सब्जी है, कद्दू की सब्जी, थोड़ी हरी मिर्च और लहसुन का नमक, तो क्या ही आनंद आता है दगड़ियो। जैसा तैसा दूध दही मक्खन फेल हो जाता है। दोस्तों अभी दिन के बजे हैं 3 और हम फिर से आ गए हैं खेतों की तरफ। तो हमने जो आधा घास काटना था वो भी पूरा करना है। ठीक यहाँ नीचे देख सकते हैं माताजी, जो घास हमने काट रखा था वो सुखाने के लिए रखा था, तो उनके पुए बना रही है। तो आज मैं और सिर्फ मम्मी खेतों में आए हैं, बाकी लोग दूसरे वाले खेत में गए हैं राजमा की फलियां निकालने के लिए, कोई बकरी चराने के लिए, और बाबू अपने काम से गए हुए हैं। तो देखते हैं मैं माताजी क्या कर सकते हैं आपको खुश करने के लिए। दगड़ियों हमने यहाँ पर कट्टा बिछा दिया है, अब इसमें हम घास का गड्ढा लगाएंगे। 2-3 दिन पहले हमने ये काटा, इसके बाद अब इसके पोए बांध दिए हैं हमने, अब इसके गट्ठी बांधते हैं ऐसे। तो दोस्तों माताजी दिखाएंगे आपको पहाड़ में सूखे घास के गट्ठे कैसे लगाते हैं। 2 पू इधर साइड रखते हैं और 2 पू
उधर साइड ऐसे होती है इनकी गड्ढिया भी रास्ते में उधर जाएगी फिर क्या होगा, ताकि बैलेंस बना रहे। ये दादा भाई ने बांध रखे हैं ये घास के पुए, बहुत अच्छे पुए बांध रखे हैं एकदम दादा ने, एकदम टाइट टाइट। दोस्तों माता जी बना रही है घास की गठी और मुझे ले जाना है ये जो दादा भाई ने घास के पुए बना रखे हैं। कितना कष्ट करना पड़ता है घास लाने में, उसके बाद जाड़ों में बर्फ गिर जाती है, बारिश हो जाते है, कठिन हो जाता है, उसके तब खिलाते हैं मेरे गाय बच्चों को घास को, ये भी खत्म हो जाता है, फिर लाना पड़ता है। अभी ये कांटे कितने लंबे आए हैं, ये हाथ में टूट जाएंगे तो कल हाथ भी यहाँ पर कट गया है दराती से, दातुली से। बांधने को तो मैंने बांध दिया है गट्ठा, इसको ले जाएगा कौन, बच्चीदा? अरे बच्चीदा भी आजकल नाराज है सैनी से। फाइनली माता जी ने गट्ठी तैयार कर ली है और अभी साड़ी के तो किनारे हमने फाड़ रखे थे तो उसी के सहारे माता जी गट्ठी को कस रही है। दगड़ी माता जी से नहीं हुआ क्योंकि माता जी के अब हाथ भी कमजोर हो गए हैं बढ़ती उम्र के साथ, एक साइड से मम्मी ने बांधा तो दूसरी साइड से फिर से खुल जा रहा, तो यहाँ से इसका कनेक्शन है इधर साइड। कुमार भी इन्ने हुए है ना, ये अंदर को चले जा रहे हैं कुमार बिल्कुल। फिर रात को जब हम सोते हैं ना उसके बाद चुभते हैं ये, कहीं पीठ में चुभते हैं कहीं कमर में चुभते हैं। दोस्तों अभी हमने यहाँ से नीचे को घास काटना है और यहाँ का इलाका देखिए भाई साहब बहुत ही डेंजरस इलाका है, तो सुबह में यहाँ पर आई थी घास काटने के लिए, यहाँ पर मैंने इतना सारा घास काटा तो हमने यहाँ पर 2-3 खेत काट दे हैं। अभी यहाँ से नीचे गधेरे तक हमारा ही है, तो आजकल पहाड़ों में काफी ज्यादा ठंडा होने लग गया है और सामने चली गई है धूप, यहाँ पर देख सकते हैं आप। दगड़ियों घास काटना स्टार्ट कर लेते हैं फिर तो, यहाँ से नीचे को मैंने घास काटना है तो पूजा पहाड़ी किस तरीके से घास काटती है आपको दिखाएगी। ऐसे तो आपको घास काटना आता नहीं होगा क्योंकि आप हुए पढ़े लिखे और हम कहाँ 5-5 दगड़ियों, तो यहाँ से हमने घास काटना स्टार्ट कर दिया है। अब जब शाम के 6 बज जाते हैं उसके बाद हम जाते हैं घर को। ये घास काटते काटते में इतना पक गई गाइस, क्योंकि जब से असोज स्टार्ट हुआ है तब से, मतलब मैंने नहीं भी काट दिए होंगे ना इतना घास काट दिया है, पर फिर भी घास खत्म नहीं हो रही है। क्यों? इसका कारण है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा है, तो इधर साइड का जो इलाका है ना गाइस ये भी सारा अपना ही है, तो यहाँ का घास खत्म हो गए, उधर साइड का घास हमने काटना है। अभी सुबह से मतलब शाम तक अभी 3 बजे हैं, 3 बजे से 6 बजे तक लगातार हमने ऐसे ही हाथ को चलाते रहना, शाम के समय इस वाले हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होती है, पर क्या करेगा, इस काम करना हमारा पैसा है। घास काट के हम इस तरीके से सुखा भी देते हैं, घास सूख जाती है तो उसके पुए बनाते हैं। वैसे आजकल लगभग 3 दिन में घास आराम से सूख जा रही है क्योंकि 1-2 हफ्ता हो गया बारिश नहीं हुई, तो भगवान से दुआ है कि 1-2 हफ्ता और बढ़िया तरीके से फर्स्ट क्लास कड़क वाली धूप आ जाती है, मेरा पूरा घास अच्छी तरह से निपट जाता। तो दोस्तों यहाँ से जो नीचे का इलाका है बहुत भयंकर का है यार, अगर कोई वीडियो बनाने वाला होता तो मैं आपको दिखाती, पर अभी है ही कोई नहीं, एक माता जी है वो घास के कुएं बनाने व्यस्त हैं और एक मैं हूँ जो बेचारा वहाँ पर स्टैंड खड़ा है, और ऐसे तैसे करके वीडियो बनानी पड़ी है यार गाइस। इतना सारा घास मैंने काट लिया है तो अब बहुत नीचे जाना है, तो वो जो नीचे का इलाका है वो वीडियो में कैप्चर नहीं होगा भाई साहब। अब यहाँ देखिए कितना डेंजरस और खतरनाक इलाका है, पर फिर भी माता जी यहाँ पर घास काटती है, यहाँ से नीचे देख सकते हैं एकदम डेंजरस इलाका है। ओई जा, हाँ ओई जाओ, भलका काटे हाँ घास, अरे यहाँ पाँव आड़िया आड़िया के घास काटना पड़ रहा है, कितना खतरनाक जगह है ये, तो पहाड़ की महिलाएं बहुत संघर्ष करती है, हमने जिंदगी दांव पर लगा के इस चट्टान में घास काट रही है,
हम नहीं काटेंगे, फिर कौन आएगा यहाँ काटने के लिए। चलो फिर एक गाना सुना दो। तू घास कटली मैं पुआ बदूला, तू करी लिए हो। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर, और घर आते ही यहाँ पर दादा भाई ने मक्के फैला रखे हैं, और इस वाले भगोने में हमने सब्जी लगा रखी है, तो सब्जी काहे की है। तो दोस्तों कल की तरह गदू और आलू मूली की सब्जी बना रखी है, क्योंकि आजकल पहाड़ों में ना बहुत ज्यादा गदू हो रहे हैं। कस दादा भाई, माताजी का रात का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आजकल राजमा ही राजमा हो रखी है। ये मेरे सुबह का काम है, सुबह तोड़ के लाई में है। हाँ, रोज मैंने शाम को ये कोरनी है सिमी। और बताओ, दो तीन लोगों का जवाब आ गया है कि राजमा कितने रुपए किलो दोगे आप? राजमा 300 रुपए किलो। 300 से कम नहीं करोगे? अरे बहुत महंगी है भैया, राजमा बंदरों से कैसे बचा रखी है हमें ही पता है। हमें ही पता है, और तोड़ने में कितना समय लगता है, ये हाथ चिमोरी जाते हैं, ये देखो ये। हाँ बिल्कुल, कैसा हो गए हैं हाथ आजकल। और वैसे राजमा को तैयार होने में कितने महीने लगते हैं? 3 महीने लगते हैं। बाबूजी पहुंच चुके हैं घर, क्योंकि बाबू गए थे दुकान, भागवत की मीटिंग रखी थी मंदिर पे। तो क्या हुआ उनका? प्रस्ताव पास हो गया है हमारे अन्नपूर्ण देवता के मंदिर में, और मंदिर में कल जा रहे हैं, 5 लोग को नियुक्ति कर दिया है। कल जा रहे हैं वो ब्यास जी के पास, भुवन चंद त्रिपाठी के पास, हल्द्वानी फोन भी हो गया है। अच्छा, हाँ भगवान की गाड़ी है। एक है हमारा वजी दादी, और एक है हमारा जिसको रजदा नेता कहते हैं, एक है हमारा मोहन प्रधान, और एक जिसको गोपाल सिंह खाड़कू कहते हैं। 5 दिन नियुक्त हैं, ड्राइवर गाड़ी प्लस भवान है। आजकल मतलब बच्चों को पढ़ा दिया मैंने BSc MSc BCom BEd तक। घर में गाय पालने में मतलब इनको दिक्कत हो रही है, गोबर खेलने में, बाकी घास पास अभी हो रहा है, गोबर खेलने में दिक्कत हो रही है इनको। क्यों, तना भाई नहीं है क्या? तना भाई गोबर फेंकती है, लेकिन मतलब गाबर नहीं है अभी, मतलब वो उसको वो छोटी है अभी, वो अभी छोटी है। और आसल का दूध है, ये है 28 रुपए का, ये मंदा की आटे ला रहा हूँ, रोज का है। अब हल्का हल्का मतलब कुछ पतेल रहे हैं, कल से कह रहे हैं हम जंगल में नहीं जाएंगे। क्यों, बकरी कितनी है हमारे पास? 14 तो बकरियां हैं। अब बकरी के लिए, बकरी तो अपने मुंह से तो नहीं आती। क्यों, वो गोबर नहीं करती? गोबर हाँ, उसका तो हल्का गोबर नहीं था। हमने गर्मा गर्म चाय बना दिए है बाबू के लिए और माता जी के लिए, लिवा चाह पीवा को। ये है हमारे बच्चे, दिन तो दिन रह गया काम, शाम को भी काम करना पड़ रहा है। बच्चों के लिए कर रहे हो काम? हाँ फिर क्या, किसके लिए? अपने लिए, अपने का अपना तो फिर हम पालेंगे भी। सब अपने अपने लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए कौन करता है? अब एक माता जी है जो हमें सपोर्ट करती है, इधर वाली साइड तो खिलाफ है हमारे।